विदिशा जिले के ग्राम गंज बासुदा में शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में डिलीवरी कराने आई महिला के परिजनों से प्रसव कराने के लिए नर्स ने रुपए मांगे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी नर्स ने उनसे रुपए लेकर प्रसूता की डिलीवरी की। समीपस्थ ग्राम राजोला से अपनी बहू की डिलीवरी कराने आई रामकली बाई और अन्य प्रसूता के परिजनों ने मीडिया कर्मियों के समक्ष अपनी बातें कही। इस मामले की शिकायत परिजनों ने चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र चिड़ार से की। वहीं इस मामले में चिकित्सालय प्रभारी का कहना है कि परिजनों ने लिखित में शिकायत देने को कहा है और जाँच उपरांत ड्यूटी नर्सों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कुरवे पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। फिर इवनिंग के बाद पैसा मांगे थे। कितने लिए? उन्होंने 1100। तो आपने शिकायत की थी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? नहीं शिकायत आप की, अब हमने शिकायत नहीं की, खुद डॉक्टर पूछ ले आए। अच्छा, फिर उनसे उन्होंने क्या कहा? फिर वो कह रहे थे हम तो फिर आएंगे। अच्छा, क्या समस्या हुई? डिलीवरी हो गई, मांगे तो पैसे किसने मांगे? नहीं, नाम है पता आपको? नहीं, 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 नहीं। तो किस चीज के पैसे मांगे उनने? कितने लिए आपको? 1000। नहीं, ये मामला नहीं है। एक्चुअली मैं खुद आज रूटीन राउंड पे था हॉस्पिटल में, सारी मरीजों से मैंने चर्चा करी। कुछ भी पार्ट में गया तो एक या दो महिलाओं ने मुझे शिकायत करी कि परिजनों ने कि उनसे कुछ पैसे लिए गए हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि आपके उस स्टाफ को जानते हैं? उनका नहीं जानते, तो मैंने उनको बुलाया है मेरे ऑफिस में, उनसे लिखित शिकायत दूंगा। किसी ने कहा उनसे 200 रुपये लिए, किसी ने कहा 300 रुपये लिए, ऐसी शिकायत उन्होंने बोली। अब वो मेरे सामने आके शिकायत करते हैं तो मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा कौन सा स्टाफ है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किसी ने शिकायत नहीं की थी, मैं खुद गया था रूटीन राउंड लेने के लिए अस्पताल में कि इससे कम मेरे कर्मचारियों में भी बैठे और अगर वो कर रहे हैं।